तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई आज का सीन कुछ ऐसा होने वाला है कि भाई आप लोग थंबनेल टाइटल से तो समझ ही हुए होंगे कि भाई टप्पू का आज एडमिट कार्ड आया है पुलिस का भाई। तो भाई चल के अभी देखना है और आप लोगों को हम लोग एडमिट कार्ड भी दिखाएंगे भाई। कैसा है बताना भाई, एकदम रियली जैसा है एकदम भाई। आप लोग देखना और बताना कैसा लगा आपको। तो चलो भाई पहले चलते हैं भाई। सोचा मैंने ये है कि भाई मेरे जान पहचान के एक पुलिस वाले हैं, मतलब वो अभी हाल ही फिलहाल बने हैं, तो भाई वो मेरे बेटे यानी मैं करेक्टर कर रहा हूँ जेठालाल का, तो भाई वो मेरे बेटे टप्पू को कुछ काउंसल करेंगे और कुछ उसके बारे में बताएंगे कैसे क्या करें बेटा, कैसे इसको तैयारी करो और कैसे क्या एग्जाम में, मतलब तो जो है उद्वी हर चीज़ उसको बताएंगे। तो भाई मैं सोच रहा हूँ कि उसको वहाँ ले जाकर छोड़ता हूँ, वो अपने वहाँ सब बताएंगे और भाई वहीं जाकर एडमिट कार्ड भी अपना चेक कर लेंगे। वहीं आप लोग को मैं एडमिट कार्ड भी अपना दिखाऊंगा, मतलब वही टप्पू सेना का। अरे टप्पू सेना कह रहा हूँ, टप्पू का। तो भाई चलो भाई फटाफट चलते हैं और टप्पू से बात कर लेते हैं भाई एक बार। तो टप्पू पुलिस का पेपर का क्या हुआ? हाँ पापा, उसका एडमिट कार्ड आ गया है, तो चल के पापा देख लेते हम लोग क्या हुआ कहाँ गया, सेंटर तो पता चल जाएगा। तो चलो पापा फटाफट देख लेते हम लोग। ठीक है बेटा देख तो लेते हैं, बट अब तुम अपना प्रिपरेशन और जल्दी जल्दी मतलब और सही से करो ताकि इस बार पुलिस का पेपर तुम निकाल सको भाई, क्योंकि बहुत ज़रूरी हो गया इस टाइम पे। बेटा बिजनेस तो चलो ठीक है अपना चल रहा है, लेकिन बेटा तुम अगर पुलिस में बन जाओगे तो ये सोसाइटी जितनी भी है, सब लोग जितने भेड़े अंकल आपके, सोढ़ी अंकल, मेहता अंकल, हाथी भाई, जितने भी सब लोग हैं, सब लोग प्राउड तुम पे फील करेंगे। नहीं तुम्हें सब लोग जानते हो क्या कहते हैं, तो उस चीज़ को तुम्हें तोड़ना है और भाई इस बार क्रैक करना है अपना पुलिस का पेपर तुम्हें। चलो मैं चलता हूँ फटाफट और तुम भी चलो फटाफट चलते हैं और वहाँ जाके तुम्हें अंकल से बात कराता हूँ मैं। एक अंकल मुझे मतलब अंकल तुम्हारे हैं, तुम जाके वहाँ पर जाके काउंसल करेंगे तुम्हें अच्छे से, तुम जाके उनकी बातें सब सुनना कैसे क्या है और जाके मतलब जैसे कहें उस टाइप का सब कुछ करना, तो तुम पक्का है कि तुम निकाल लोगे। और चल के वहीं तुम्हारा एडमिट कार्ड देख लेते हैं कि सेंटर तुम्हारा असल में गया कहाँ है। ठीक है परेशान बिल्कुल भी मत हो। ओके पापा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, मैं पूरी तैयारी कर रहा हूँ और भी मुझे हल्का फुल्का टाइम मिलता है तो मैं और भी रेडी करूँगा, मुझे कोई टेंशन नहीं इस बार पापा, इस बार मैं प्रॉपर निकाल के रहूँगा, बिल्कुल भी आप टेंशन नहीं, इस बार आपको कोई वैसा फील होने नहीं दूंगा। तो पापा चलते हैं, पापा चलिए। तो चले बेटा, हाँ चलो फटाफट आओ मेरे पीछे पीछे चलते। और भाई मैंने ले लिया भाई थोड़ा टेक्सचर प्रॉब्लम, इसको इग्नोर करना यार, पता नहीं सही कब तक होगा। तो भाई हाँ मैं ये कह रहा था भाई कि मैंने भाई भिड़े भाई से बात कर ली है और भाई उनकी थार भाई मांग ली क्योंकि भाई जाना था। और भाई ये अपने मेहता साहब तो भाई गायब है, मतलब गायब के मतलब भाई वो तो ऑफिस गए होंगे भाई, देखो भाई उनकी स्कॉर्पियो भी खड़ी नहीं है। और ये भाई भिड़े भाई तो अपना यहीं रूम पे रहते हैं, यहीं पढ़ाते वढ़ाते हैं भाई, तो अपना भिड़े भाई का तो काम हो जाता है भाई। तो भिड़े भाई की थार यहाँ नीचे खड़ी थी, तो मैंने कहा भाई इन्हीं से मांग लेता हूँ और भाई बहुत जल्दी लूँगा, कोई टेंशन ना लो भाई आप लोग। ओ भाई साहब ये क्या था, अच्छा अलग ही सीन है भाई। चलो भाई चाबी अभी तो मैंने मांग ली, इसको अनलॉक करते हैं और बैठते हैं भाई फटाफट। चल टप्पू फटाफट बैठ जा, चलते हैं फटाफट। तो चल टप्पू फटाफट बैठ चला जाए, चल के वहाँ बात किया जाए, वो भी भाई ड्यूटी डपार्टी वाले आदमी भाई, ज़्यादा देर रुकेंगे नहीं। चल जल्दी फटाफट बैठ और फटाफट चलते हैं। और ये भाई अपना टप्पू भी बैठ गया है। तो चलो भाई कुछ हो गया, चलते हैं भाई फटाफट। और ये भाई टैक्सर प्रॉब्लम भाई क्या करे यार, पता नहीं क्यों होता है। अगर भाई आप लोग को पता हो यार थोड़ा, मैं तो बहुत कुछ नहीं किया, क्या नहीं कर रहा हूँ भाई इसके लिए, लेकिन थोड़ा कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन अगर भाई आप लोगों को पता हो यार तो कमेंट बॉक्स में बताना इसको कैसे सही करें, मुझसे तो हो नहीं रहा है भाई। चलो भाई ऐसे खुलता है। और भाई थार कैसी लग रही है भाई ये बताओ भाई, तगड़ी लग रही कि नहीं? भाई माइकल ने गजब ही दिला दिया यार थार भिड़े भाई को। जेठालाल आई मीन मतलब जिसका करेक्टर हम लोग कर रहे हैं भाई, बहुत जल्दी हम लोग गाड़ी लेंगे, आप लोग टेंशन मत लो भाई। और भाई बताना भाई आप लोग बताओ कमेंट बॉक्स में कौन सी लें, जेठालाल की। ओ होए ठुक गई भाई, लेकिन ज़्यादा आराम से ठुकी, कोई सीन नहीं हुआ भाई, कोई दिक्कत नहीं भाई, आराम आराम चलते हैं भाई। भिड़े भाई की गाड़ी है, नहीं गुस्सा करेंगे भाई, जानते हो भिड़े भाई की तो गाड़ी जान होती है, समझ लो भाई, समझ लो, जानते हो भाई इंसानों की तरह उसको प्यार करते हैं भाई, करना भी चाहिए यार भाई, इतनी मेहनत से लो। और भाई गाड़ी गाड़ी के जो लवर होंगे भाई, जैसे कहा जाता है कार लवर भाई, वही लोग समझेंगे भाई, बाकी तो भाई कुछ नहीं है। तो चलो भाई, और भाई टप्पू का भाई भविष्य का सवाल है, तो भाई इतना तो करना ही पड़ेगा यार। तो मैंने भी आज बढ़िया दुकान से छुट्टी ले ली थी भाई, क्योंकि जैसे बताया टप्पू ने मुझे कि भाई
आज एडमिट कार्ड निकलने वाला है। तो भाई मैंने कहा भाई फर्स्ट से पहले जाके छुट्टी लेता हूँ। छुट्टी ले जा नहीं रहो भाई, जेठालाल की तो खुद की दुकान है भाई, छुट्टी लेना कौन बड़ी चीज़ है। बस जाके बस नट्टू काका और बागा को बताना ही रहता है कि आज मैं दुकान पे नहीं आऊँगा। बस जेठालाल ने फ़ोन करके बोल दिया नट्टू काका और बागा को कि आज मैं नहीं आऊँगा, आज टप्पू का एडमिट कार्ड आया है पुलिस वाला, तो भाई चल के उसको सीन करते हैं। और आप लोग भी अभी देखोगे भाई एडमिट कार्ड वो कैसा है तो बताना भाई कमेंट बॉक्स में। फटाफट पहले पहुंचते हैं उस पुलिस वाले के यहाँ जहाँ भाई वो जहाँ उसकी ड्यूटी लगी हुई ऑफिस है भाई। तो उसने कहा ठीक है ले आओ अपने बेटे को छोड़ देना, मैं यहाँ पर समझा जा दूंगा भाई। भाई इतना तो टाइम अब है नहीं अपने पास, क्योंकि भाई मेन चीज़ है ना कि दुकान से तो मैंने छुट्टी ले ली है, उसका कोई सीन नहीं है। लेकिन भाई उसके बाद से जब मैं यहाँ आया था टप्पू से बात हो रही थी तो इसके बीच में ही भाई क्या कहते हैं फिर नट्टू काका बार बार कॉल कर रहे थे, तो एक बार के मैंने उठाया नहीं, फिर दूसरी बार कॉल किए तो फिर मैंने उठाया, तो उन्होंने कहा कि कोई अर्जेंट मीट कोई पार्टी है वो आने वाली है। तो भाई उससे चल के क्या कहते हैं मतलब कोई डील वील होगी भाई, जान ही रहे हो कोई LCD TV फ्रिज व्रिज की कोई बड़ी डील बता रहा था कोई होने वाली है। तो भाई उसके सिलसिले में तो भाई मैं तो ऐसे टप्पू से ना अरे टप्पू को छोड़ के वहीं पर निकल लूँगा भाई अपना, टप्पू अपना समझ लेगा। टप्पू कह रहा था कि चलाऊंगा मैं पापा, आप टेंशन मत लो मैं अपना चलाऊंगा, कैब वैब बुक करके चलाऊंगा। मैं कहा चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा भाई घूमना उमना नहीं, घूमना उमना बंद कर दे अब, और जो क्रिकेट विकेट खेल रहा है सब बंद कर दे इस टाइम पे, अपना फोकस कर पढ़ाई पे, अपना निकाल बढ़िया फटाफट पुलिस का पेपर भाई, ताकि भाई बहुत रिस्पेक्टेड जॉब है भाई ये तो, मानो चाहे ना मानो भाई। तो भाई इसको निकाल लेगा तो फिर तो भाई मज़ा आ जाएगा, पूरा गड़ा खानदान में भाई एक अलग ही सीन हो जाएगा यार। मतलब भाई हम भी बिजनेसमैन थे और पिताजी तो किसान थे, जान ही रहे हो भाई इनके। तो भाई ये करेगा कुछ सरकारी में तो बढ़िया ही है यार, हम लोग के टाइम तो इतना नहीं हो पाया था, तो भाई इन लोग का टाइम तो बढ़िया ही है। तो चलो भाई चलते हैं फटाफट। तो गाइस हम लोग भगाते भगाते फाइनली आ चुके हैं भाई उस पुलिस ऑफिसर के ऑफिस में। भाई उसका भी फ़ोन आया था, कह रहा भाई कहाँ हो अभी तक पहुँचे नहीं, हम के बस निकल गए रास्ते ऑन द वे एकदम है, बस हम लोग आने वाले हैं। तो कहे ओके ठीक है मैं वेट करता हूँ, और भाई यहीं से मुड़ना ये अच्छा रेड लाइट, अरे हम लोग रेड लाइट नीली लाइट में वहीं देखते भाई भाई आखिर थोड़ा बहुत तो चलता ही है गेम में यार, लेकिन रियल भाई रियल में करना चाहिए भाई, ट्रैफिक तो फॉलो करना चाहिए भाई, देरी से दुर्घटना से देरी भली। हाँ ये था भाई, ये देखो भाई इधर गाड़ी उसकी खड़ी अपनी, मैं इधर ही अपना थार लगा देता हूँ भाई। चलो भाई उतरते हैं फटाफट, टप्पू फटाफट उतर जा। तो चलो भाई अपना टप्पू भी उतर गया, टप्पू फटाफट आ यार चला जाए, उनके पास इतना वक्त नहीं है, कहाँ हो भाई अभी तक उतर ही रहे हो क्या, चल भाई फटाफट चल यार जल्दी जल्दी आ जा। और भाई आप लोगों को दिखाते हैं एडमिट कार्ड भाई, आप लोग देखो भाई, और ये भाई अपने पुलिस ऑफिसर यहाँ वेट कर रहे हैं भाई हम लोग का बहुत टाइम से। तो हाय जेठालाल कैसे हो, सब बढ़िया है ना जेठालाल? अरे टप्पू भैया, हेलो टप्पू कैसे हो, सब बढ़िया है ना टप्पू? तो आज तो जान ही रहे हो कि निकला है पुलिस का एडमिट कार्ड, तो उसका टेंशन वेंशन बिल्कुल भी मत लो, ठीक है अपना प्रिपरेशन करो। मैं तुम्हें अभी बताता हूँ क्या कैसे क्या करना है, उस तरह तुम और तैयारी करते हो, तैयारी तो मतलब तुमने ऑलरेडी और भी किया होगा, तो टप्पू इतनी बात समझ जाओ यार, और कोई दिक्कत नहीं है, बाकी मैं सब बताता हूँ अभी। और तुम्हारा एडमिट कार्ड रुको मैं चेक कर लेता हूँ कैसे क्या आया है, कहाँ तुम्हारा सेंटर गया है, बताता हूँ अभी, ठीक है एक मिनट वेट करो मैं अभी ले कंप्यूटर। तो ऑल राइट गाइस मैंने देख लिया है और ये भाई मैंने स्क्रीन पर लगा दिया है, ये है टप्पू का एडमिट कार्ड, आप लोग देख लो भाई कैसा है टप्पू का एडमिट कार्ड। और ये भाई गया है देख ही रहोगे, और ये भाई इसकी 23 तारीख को इसका पेपर है, और ये भाई वाइनवुड हिल्स के पास ही कहीं है वही इसका पेपर वहाँ है अभी। तो भाई ये तो जानते हो भाई, ये तो अभी सिटी डिसाइड करेगी कहाँ हो रहा है भाई, ये लॉस सैंटोस के अंदर कहाँ है सब, यहाँ अभी हो रहा है, और बाकी यहाँ पर उसके आसपास कहाँ होगा उसमें भाई अभी पता चल जाएगा इसको बाद में। तो चलो भाई देख लो, आप लोग स्क्रीन पर लगा दिया मैंने, आप लोग आराम से देखो भाई कोई दिक्कत नहीं। अब मैं टप्पू से बात कर लेता हूँ अपना, टप्पू तुम मेहनत करते रहो हो जाएगा, मैं भी हाल ही फिलहाल में आया हूँ, तुम्हें कुछ नोट्स मैं दे देता हूँ, तुम अपना ट्राई करते रहना उस पर, पढ़ाई करते रहो, ज़्यादा टाइम नहीं है उसको, जितना हो सके प्रिपरेशन टाइट रखो और हर चीज़ पे दिमाग से हटा दो दिमाग से, ठीक है? और बाकी सब मन तन धन से उसी को लग जाओ, तो शायद मतलब शायद क्या मतलब निकल ही जाएगा उसका, बिल्कुल टेंशन मत लो। तो हे ऑफिसर चलते हैं हम, आप समझा दीजिएगा टप्पू को, मैं चलता हूँ क्योंकि थोड़ा हमको जाना एक मीटिंग में है,
तो आप अपना समझा समझा दीजिएगा इसको अच्छे से, हम चलते हैं ठीक है ऑफिसर। चलो भाई हम लोग चलते हैं, अपना वो टप्पू वप्पू को समझा देगा, हम लोग फटाफट निकलते हैं, एक बार जाके अपना दुकान पे चलते हैं तो अपना वहाँ हो जाएगा। तो चलो भाई आज के लिए इतनी ही वीडियो, आप लोग को थोड़ा सा भी एंटरटेनमेंट मज़ा आया हो तो भाई वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना भाई, बहुत मेहनत लगती है भाई, तो थोड़ा आप लोग सपोर्ट किया करो यार। चलो मिलते हैं ऐसे कोई नेक्स्ट वीडियो में।